गंगोत्सव कुंड से महाकाल तक भव्य कांवड़ यात्रा निकली है और सभी भक्तों के मन में अपार उत्साह छलक रहा है और यही उत्साह महादेव की भक्ति को जगाता है और महादेव खूब प्रसन्न होते हैं जब कोई कांवड़ लेकर पैदल चलकर उसके द्वार पर आता है और जल चढ़ाता है। महादेव की कृपा अमिट है और यह निराली हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं और खूब आनंद ही आनंद सभी कांवड़ियों के चेहरे पर दिख रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी कांवड़ लेकर हाथों में बहुत ही आनंदित भाव से चल रहे हैं। अपने कंधे पर कांवड़ लिए सभी भक्तों में अपार उत्साह है। कोई पीली साड़ी में है महिला, कोई हरी साड़ी में है, कोई नीली साड़ी में है, कोई लाल साड़ी में है, सब और आनंद ही आनंद यहाँ पर हर चेहरे पर दिख रहा है। सभी कांवड़ लेकर चल रहे हैं और इस कांवड़ में गंगा जल भरा हुआ है क्योंकि गंगोद्भव कुंड का यही महत्व है कि यहाँ गंगा जी का चौथा पाया माना जाता है और गंगोद्भव कुंड से महाकाल तक ये भव्य कांवड़ यात्रा निकली है और यहाँ अगले दिन गंगोद्भव कुंड से उभयेश्वर जी तक कांवड़ यात्रा निकलने वाली है और खूब आनंद ही आनंद सब और हो रहा है। सभी कांवड़ियों के चेहरे पर एक अद्भुत आनंद दिख रहा है। सभी आनंदित होकर आगे बढ़ रहे हैं, महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं और खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। सभी के मन में कैसा आनंद है, क्या कह रहे हैं कांवड़िए, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कांवड़ महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है और आज गंगोत्सव से महाकाल तक भव्य रूप से कांवड़ यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ में के शर्मा जी हैं, किस रूप में कांवड़ यात्रा निकली है और कितना उत्साह सभी भक्तों में रहा है? देखो, सावन मास के अंदर विशेष तौर से महिलाओं में ज्यादा जोश रहा पुरुषों की बनिस्पत और करीब 5,000 कांवड़िए वहाँ से लेकर के हम ये वहाँ से रवाना हुए थे। जल पवित्र गंगा कुंड जो हमारा गंगा जी का चौथा पाया है वहाँ से लेकर के रवाना हुए और सभी वहाँ से चल करके स्वागत में रवाना हुए और सभी कांवड़िए बिल्कुल जोश खरोश के साथ सभी आए हैं और देखो सारे महाकाल के अंदर सभी भारी जोश खरोश है और सभी भगवान महाकाल इस सावन मास के अंदर जल अर्पित करने से विशेष प्रसन्न होता है। गंगा जी का चौथा पाया हमारा गंगू कुंड को माना गया है और वहीं से लेकर के हमने ये 12वीं हमारी कांवड़ यात्रा है। तो मैं महाकाल से भी ये प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें और इस कांवड़ यात्रा को सफलता की बहुत बहुत बधाई। जय जय महादेव। कांवड़ियों में दिखा बहुत अच्छा, ये 12वीं कांवड़ यात्रा है और सारे लोग मतलब अब की बार तो करीब करीब मान लो आपके 4,000 से 5,000 कांवड़ यात्री मतलब साथ होकर चल रहे हैं और सभी लोग एकदम अच्छी तरह से चलते हुए और कांवड़ यात्रा समापन हुई, आनंद आ गया। इस कांवड़ यात्रा बहुत बहुत आनंद आया और सभी हल्लो उल्लास आए हैं और सभी जय जयकारे करते हुए आए हैं। जय महाकाल। यहाँ पे महोत्सव है, महाकालेश्वर मंदिर में आज सवेरे से किया जा रहा है, सायंकाल महारुद्र अनुष्ठान का पूजन किया जाएगा और भव्य महाआरती का आयोजन करेगा। उत्साह देखा गया। हाँ, आज कितना उत्साह रहा महिलाओं में? हाँ बताओ, आपने आपने क्या
कितना उत्साह रहा है। हर हर महादेव का जय जयकारा करती हुई बढ़ रही थी आगे। आज महिला में बहुत ज्यादा आनंद था। जो बोलने हर हर महादेव तो बोलो बोले के खूब आनंद ठाट हो रहे हैं और कांवड़ यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। गंगू कुंड से महाकाल कांवड़ यात्रा निकली है और आनंद ही आनंद यहाँ हो रहे हैं। बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत ही अच्छा आनंद आया। हर साल की भांति इस साल भी के शर्मा की जो कांवड़ यात्रा 8 अगस्त की गंगू कुंड से महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करा गया। काफी मात्रा में सनातन धर्म पधारे और बहुत ही आनंद आया। जय महादेव। हर महादेव। बहुत अच्छा आनंद आया। जय महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा। कैसा उत्साह दिखा महिलाओं में? बहुत अच्छा उत्साह दिखा। सब नाचते गाते हुए कांवड़ लेके आए। जय हो। जय हो। जय महादेव की। जय हो। जय हो। जय हो। बताओ कैसा आनंद आया है? आनंद ही आनंद है भोलेनाथ की नगरी में। हर हर महादेव। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। कैसा आनंद आया? बहुत आनंद आ रहा सर। आनंदमय आनंद। वाह। बताओ। हर महादेव। जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। जय हो। हर हर महादेव। महाकाल की शाही सवारी निकलने वाली है और सभी भक्तों को साल भर से इंतजार रहता है कब महाकाल की शाही सवारी निकले। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रावण मास के सोमवार को ये शाही सवारी निकलेगी 12 अगस्त 2024 दोपहर 12:15 पर 12:15 बजे शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण के लिए पधारेंगे महाकाल। और सबसे पहले महाकाल मंदिर परिसर से ये शाही सवारी शुरू होगी और सबसे पहला पड़ाव महाकाली मंदिर हाथीपोल पर होगा। करीब 1:30 बजे हाथीपोल पर विशेष रूप से पूजा अर्चना होगी और शनि मंदिर में भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। और यहाँ दूसरा पड़ाव होगा जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में और यहाँ जगदीश चौक पर विशेष पूजा अर्चना और महाआरती के दर्शन होंगे सभी भक्तों को। 6:00 बजे सायं अम्बा माता मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और महाआरती के दर्शन होंगे और विशेष रूप से जो वापसी का आगमन महाकाल परिसर में करीब 7:30 बजे मंदिर परिसर में आगमन होगा और यहां महाआरती की जाएगी। तो सभी भक्तों के मन में अपार उत्साह झलक रहा है कि कब महाकाल की ये यात्रा निकले। कैसा आनंद आया है आज? बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा आनंद आया महादेव। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। महादेव की कृपा है। हाँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम हम भोले। 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 सभी कार्यकर्ता आज जो कांवड़ यात्रा निकल गई शर्मा जी अर्चना जी के नेतृत्व में हम सब उसमें आयर गंगू कुंड से महाकाल के आशीर्वाद लेने आए और जल पकड़ने आए। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि उदयपुर में खुशहाली रहे, राजस्थान में खुशहाली रहे। बताओ विक्रम जी,
आज जो यह कांवड़ यात्रा निकली है, इस कांवड़ यात्रा में गंगूकुंड से और सारे कांवड़ियों ने यहाँ पर महाकालेश्वर तक जल भरकर लाए हैं और यहाँ पर महाकाल में जल का अभिषेक किया है और यही कामना की है कि सब तरफ खुशहाली रहे और जो बारिश भी है वो भी लगभग लगभग सब तरफ हो गई, अपने उदयपुर में ही नहीं हुई है। तो यहाँ महाकाल के चरणों में प्रार्थना है कि जो कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है, आज जो कांवड़ यात्रा निकली है, कल गुबेश्वर जी की, हम सब की यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे राजस्थान देश प्रदेश में बढ़िया बारिश हो और अमन चैन रहे और देश में शांति बनी रहे, बांग्लादेश जैसे हालात नहीं हो। बताओ कैसा आनंद आया? बहुत शानदार, आज केशव शर्मा जी के नेतृत्व में ये कांवड़ यात्रा निकाली गई है और बहुत ही जनता में अच्छा, काफी अच्छा रुझान है और काफी अच्छी कांवड़ यात्रा का है। जय महाकाल, जय हो। आज मानसिंहपुर महादेव के व्रत शुरू हुए हैं, कांवड़ यात्रा निकल रही है, कैसा आनंद आ रहा है? आज बहुत आनंद आया, सावन के तीसरे सोमवार में मनसा महादेव जी का व्रत भी था और भी कांवड़ भी थी। आज कांवड़ के साथ मनसा महादेव जी के व्रत में चार चांद लगे, इतना मजा आया कि दोनों दिन महादेव जी की कांवड़ में कुछ समय महादेव जी भी निकाला, कुछ कांवड़ में आने के लिए करा। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, आनंद आया यार। व्रत भी है गंगूकुंड से, जो कांवड़ यात्रा निकली हो पैदल यात्रा महाकालेश्वर मंदिर तक आई है, हर हर महादेव ब्रह्मा भोले के नारे के साथ, बहुत अच्छा आनंद है। हर हर महादेव, जय हो। बहुत उत्साह से इस बार ऐसा पता ही नहीं चल रहा जब हम महाकाल तक पहुंच गए और इतने उत्साह से और जयकारे के साथ हम यहाँ तक पहुंचे, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ वाह, जय महाकाल, जय महाकाल, जय आनंद। वाह, बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत मस्त आनंद आ रहा है, हम आए जो जय हो, बहुत आनंद आया, आज का आनंद की तो बात ही अलग है। हर हर महादेव, जय हो, हर हर महादेव, हर महादेव। वाह, अच्छा था, है बहुत मजा आया। हर साल की, हर साल से भी ज्यादा मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बोलो कैसा आनंद आ रहा है? अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। वाह, जय हो। कैसा आनंद आया है? बहुत ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई है और सभी जनता से मेरा यही है कि निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सब पधारे, 12 तारीख को यात्रा को बहुत भव्य बनाए। महादेव के मंदिर में नंदी की खास महत्ता होती है और
महादेव के लिए कुछ प्रार्थना करनी है या कोई भी मनोकामना हमारी सिद्ध करनी है तो कान में नंदी के कुछ अपनी कामना को कहा जाता है, उसे महादेव शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। और यहाँ क्रम लगा हुआ है, नंदी के कान में सभी अपनी अपनी कामना भावना सभी व्यक्त कर रहे हैं और खूब आनंद ठाट के साथ में नंदीगण महादेव तक हमारी भावना पहुंचाते हैं और खूब आनंद से आनंद यहाँ पर होता है। आनंद आया है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, महाकाल की नगरी में बहुत बहुत कैसा आनंद आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, जय महादेव। वाह, हर हर महादेव। जय हो, आनंद आया है यहाँ पे है। बताओ, जय हो, कैसा आनंद आया है? आप बताओ कैसा आनंद आया? वाह, बताओ आज कैसा आनंद रहा है? तो बहुत आनंद ही रहा, आज तो बहुत मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लग गया। बताओ कैसा आनंद रहा है? आनंद बहुत मंगलमय रहा, शाही कावड़ लेके आए हैं। वाह, आनंद आया है आज, मजा आ गया, अच्छा आनंद है। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बताओ कैसा आनंद है? महादेव बहुत आनंद आया आज, जब प्रभु की इच्छा थी प्रभु ने कहा, आज बहुत आनंद है और फर्स्ट बार कहा। जय हो, हर
करो, कैसा आनंद आया है आज? बिल्कुल, आज सबसे बढ़िया आनंद आया महादेव जी का अभिषेक करके गंगू कुंड से और यहाँ तक कावड़ यात्रा में, और बहुत आनंद आया, बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया, बहुत अच्छा रहा। काल के मंदिर में सब आते हैं और खूब आनंद ठाट से यहाँ पर विविध रूपों में दर्शन करते हैं गौ माता के, हस्ती के, और विविध रूपों में ये प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं और खूब आनंद ही आनंद माँ काल के चरणों में होते हैं। खूब आनंद ठाट से ये सभी दर्शन करते हैं और खूब आनंदित होते हैं। काल के मंदिर में सब आते हैं और खूब आनंद ठाट से माँ काल के तो दर्शन करते ही हैं। विभिन्न रूपों में यहाँ पर जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं, विराजित हैं, वो खूब आनंद देती हैं, और सभी यहाँ पर आधुनिक जमाने के अनुसार कोई रील बनाते हैं तो कोई उनके साथ में चरणों में बैठकर और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर चित्र भी खिंचवाते हैं। बहुत ही आनंद यहाँ पर सभी भक्तों को मिलता है। और सावन महीना चल रहा है तो सावन महीने में खूब ठाट बाट से माँ काल के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़ा ही आनंद यहाँ पर सभी कर रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। आ रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के यहाँ आए दर्शन करने, बहुत भीड़ श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? कैसा आनंद आया है? बहुत आनंद आया। हाँ बताओ। बहुत आनंद आया। हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ ऐसे बुलाते रहे हर साल, बहुत अच्छा लगा, भोलेनाथ ऐसे हर साल आते रहे। हाँ हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ भोलेनाथ की। भक्त खूब आनंद लेते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, आनंद ही आनंद यहाँ पर हो रहा है। बताओ कैसा आनंद यहाँ हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आज कावड़ यात्रा निकली, उसका भी असीम आनंद आया। भगवान महाकालेश्वर की आरती और सबने भोजन किया, कावड़ियों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कराई और सभी मंदिर की तरफ से भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? आनंद तो एकदम बढ़िया आ रहा है, भक्तजन भी मीठा प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। बढ़िया, बताओ आनंद ले रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, भक्त लोग प्रेम से आ रहे हैं, प्रेम से जा रहे हैं। आनंद परम आनंद है। और 12 अगस्त को जो शाही सवारी निकल रही है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि प्रभु स्वयं हमें दर्शन देने पधारेंगे। बताओ कैसा आनंद हो रहा है? जम महादेव, आनंद अति आनंद है। हर वर्ष के भांति इस बार वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा है, आनंद के रूपी है और मन को शांति देने वाला है।